हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप सब देख रहे हैं स्टडी विद अभी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर का फिजिक्स सेकेंड पेपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। ठीक है, तो ये पेपर 50 नंबर का होता है, 3 घंटे का होता है और रिटन एग्ज़ाम होता है। इसमें ABC 3 सेक्शन होते हैं। ठीक है, पर सेक्शन में आपको कुछ क्वेश्चन करने रहते हैं, कुछ नहीं करने रहते, तो वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, और साथ में आपको क्वेश्चन बताऊँगा, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पता चल सके। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करो उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी बीएससी के एग्जाम्स के पेपर देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेक्शन ए का। इसमें पहले सेक्शन ए होता है, सेक्शन इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और पर क्वेश्चन 2 नंबर का है। ठीक है, 5ों क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, एक भी छोड़ने नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है, डिराइव कूलम्स लॉ फ्रॉम कॉसेस लॉ। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से बी वाला क्वेश्चन है, प्रूव दैट कर्ल बी इज इक्वल टू वेक्टर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे वेक्टर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन सी दिया है, डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस एंड गेट एक्सप्रेशन फॉर ए सोलेनाइड। ठीक है, डी वाला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड एटॉमिक पोलराइजेशन। ठीक, ई वाला क्वेश्चन है, डिफाइन मैग्नेटिक सस्पेसिबिलिटी एंड मैग्नेटिक परमिबिलिटी। ठीक है, ये चीज़ आपको करनी है। उसके बाद ये सेक्शन ए हो गया, सारे क्वेश्चन करने थे। फिर सेक्शन बी आता है, सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, पर क्वेश्चन 5 नंबर का है और आपको ठीक है, 5ों मतलब कि इसमें 10 क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन करने होते हैं और पर क्वेश्चन 5 नंबर का। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है तो 2 में 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे और करके। ठीक है, उनमें से आपको एक करना रहेगा। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, दूसरे मतलब सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एस्टैब्लिश द फॉलोइंग रिलेशन इज इक्वल टू माइनस डेल वी। या तो आपको इसको करना है या और करके। दूसरा क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बाई रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस r/a। ठीक है, या तो आपको इसको करना है। उसके बाद इसमें तीसरा क्वेश्चन है, यानी सेक्शन बी का दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल सो दैट फॉर ए करंट लूप द मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल इज φm इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4πIW। ठीक है, ये चीज़ आपको दिखानी है। या और करके दूसरा क्वेश्चन दिया है, फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर करंट लूप ऑफ ए साइट और ए यूनिट्स। ठीक है, ये कर सकते हैं। या फिर अगला क्वेश्चन है, डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस इफ़ 2 कॉइल्स ऑफ ए सेल्फ इंडक्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल देन फाइंड इट्स इक्विवेलेंट इंडक्टेंस। ये आपको करना है। या फिर और ए सर्कुलर कॉइल पी ऑफ 100 टर्न्स एंड रेडियस 2 सेंटीमीटर इज अ प्लेस्ड को एक्सली एट द सेंटर ऑफ अनदर कॉइल क्यू ऑफ 1000 टर्न्स एंड रेडियस 20 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करना क्या है, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल्स द चार्ज पासिंग थ्रू द कॉइल पी इफ इट्स रेजिस्टेंस इज 8 ओम। ठीक है, ये कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद 5वां क्वेश्चन दिया है, स्टेट एंड प्रूव कॉसेस थ्योरम फ्रॉम अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। और दूसरा क्वेश्चन दिया है, डिफाइन डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट सो दैट द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ अ मटेरियल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, इसको कर सकते हैं। 6वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी, प्रूव दैट एस इज इक्वल टू एन आई नॉट बाई आई। ठीक है, 6वां क्वेश्चन हो गया। और इसमें और करके दिया है, यूजिंग मैक्सवेल्स इक्वेशंस डिराइव द फॉलोइंग रिलेशंस, डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको डिराइव करना है। आगे चलते हैं, सेक्शन सी में आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिनमें से आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करने रहते हैं और पर क्वेश्चन ये 7.5 नंबर का होता है। ठीक है, मतलब 7 एंड 1/2। ठीक है, तो 15 नंबर का आपका सेक्शन सी होता है, 2 क्वेश्चन ही करने रहते हैं। तो चलिए मैं एक लाइन से सारे क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। ठीक, 7वां क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई सो दैट टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई। ठीक है, आगे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन दिया है, व्हाट डू यू मीन बाई अ टोरॉइड। टोरॉइड, ठीक है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ टोरॉइड विद इन द कोर सो दैट वी इज नॉट अ कॉन्स्टेंट ओवर द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ टोरॉइड। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म पोलराइजेशन इन डायलेक्ट्रिक, डिराइव कॉल्सियस मोस्टी इक्वेशन फॉर मॉलिक्यूलर पोलराइजेशन। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, राइट नोट्स ऑन एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट एंड स्किन डेप्थ। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रिक क्वाडर पोल, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एंड फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक क्वार्टर पोल। ठीक है, तो गाइज ये था बीएससी सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर फिजिक्स सेकेंड का। ठीक है, ये पेपर था, मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, यही आपके प्रीवियस ईयर का पेपर हो जाएगा, आप इससे अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।